सो जो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम दोबारा से अपने इंडियन बास्ट ट्रेवलिंग सिटी गेम के मिथबस्टर्स को कंफर्मड या बस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं ये भाई कह रहे हैं अपन लोग साइकिल स्पॉन कराते हैं, फिर साइकिल को स्पॉन कराने के बाद उसको थोड़ी देर चलाते हैं और थोड़ी देर चलाने के बाद उसको थोड़ा सा वेट करते हैं और वहां पर अपनी साइकिल को तोड़ के चले जाते हैं और एक राउंड लगाते हैं साइकिल को छोड़ने के बाद थोड़ी दूर जाते हैं तो जो साइकिल का बैठने वाला ऑप्शन है वो गायब नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। तो वैसे तो किसी भी कार या बाइक का नहीं होता है गायब और इसका भी नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है, बट भाई ने कहा है तो चलो इस वाले मिथ को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपना थोड़ा सा चला चुका हूँ अपनी साइकिल को और यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा घूम गया तो देख सकते हो मैं कितनी दूर आ चुका हूँ अपनी बाइसाइकिल से और चलते हैं अपनी बाइसाइकिल के पास जल्दी से। तुम देख सकते हो मैं बाइसाइकिल के पास आ चुका हूँ और जैसे मैं अपनी बाइसाइकिल के पास जाता हूँ तो उस पर ड्राइव करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इन बाइक का ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। तो अपना अगला मैच आ चुका है, ये वही कह रहे हैं जेट स्पॉन कराओ, फिर उसके बाद अपन लोग आरजीएस टूल के अंदर यहाँ पर ड्राइव जेट लिखेंगे तो जो अपना जेट है वो अपने पास आएगा और अपन लोग उस पर बैठ पर के उसको ड्राइव कर पाएंगे। चलो चेक करते हैं। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है बट अपना यहाँ पर जेट स्पॉन कराते हैं सबसे पहले। तो मैं अपने आरजीएस टूल के अंदर यहाँ पर जेट स्पॉन करा लिया हूँ और यहाँ पर तुम देख सकते हो आरजीएस टूल के अंदर यहाँ पर जेट लिखते ही अपना जेट का आवाज आ चुका है और जेट एक्टिव हो चुका है। तो अपने को भी लिखना पड़ेगा ड्राइव जेट, जिससे कि जो अपना जेट है वो मेरे पास आकर और मैं उसमें बैठ सकूँ। चलो चेक करते हैं। तो यहां पर मैं ड्राइव जेट लिख चुका हूं और जैसे मैंने ड्राइव जेट लिखा बट कुछ भी चीज एक्टिव नहीं हुई है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं यहां पर मेरे पास यहां पर जो अपना जेट है वो आता या नहीं आता और अपने को बैठाता या नहीं बैठाता। फिलहाल तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो इन भाई का ये वाला मिथ बस्ट है। अपना अगला मिथ आ चुका है। तो ये भाई कह रहे हैं अपन लोग ज़ॉम्बी का चीट कोड नंबर लगाकर अपनी रोल्स रॉयल को स्पॉन कराते हैं तो वो अपनी जो गोस्ट राइडर बाइक है ना उस जैसा प्रोटेक्शन देगा। चलो चेक करते हैं। तो जो अपनी गोस्ट राइडर बाइक है अगर किसी भी ज़ॉम्बीज के पास लेके जाएंगे तो वो ज़ॉम्बी मर जाएगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपना ज़ॉम्बी का चीट कोड नंबर लगा चुके हैं, फिर उसके बाद अपन लोग रोल्स रॉयल अपनी मंगा चुके हैं। चलो इस पर बैठते हैं और यहाँ पर लेके जाते हैं अपनी रोल्स रॉयल को अपने ज़ॉम्बीज के पास और देखेंगे अगर कोई ज़ॉम्बी अपने पास आता तो वो मर जाता या नहीं मर जाता, मतलब ये अपनी जो रोल्स रॉयल है वो प्रोटेक्शन देती है नहीं देती। देख सकते हो एक ज़ॉम्बी मेरे पास आ रहा हो, जैसे ये टच हुआ तो देख सकते हो एकदम क्लियर मौत हो गई इस ज़ॉम्बी की और ये दोबारा से एक और ज़ॉम्बी आया ये भी एकदम डेथ हो गया है, एक पीछे से आया ये भी मर गया भाई। और देख सकते हो कितने सारे ज़ॉम्बीज को मैं मार चुका हूँ, थोड़ा सा आगे और जाते हैं एक और ज़ॉम्बी आया ये भी मर गया। तुम देख सकते हो क्या ही तो प्रोटेक्शन दे रही है। तो एंड भाई का ये वाला मिथ एकदम कन्फर्म्ड है। तो ये भाई कह रहे हैं अपना यहाँ पर डायनासोर और अपना टैंकर मंगाओ, जैसे अपन लोग टैंक मंगाएंगे और डायनासोर मंगाएंगे तो जो अपना डायनासोर है उसको अपन लोग को स्पीड से पुश करना है, मतलब डक्का देना है अपने डायनासोर पर तो कुछ मैजिक होगा। चलो चेक करते। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर आर्मी टैंक स्पॉन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना टैंक स्पॉन करा लिया है, चलो जल्दी से अपन लोग यहाँ पर डायनासोर स्पॉन कराते हैं। तो डायनासोर स्पॉन कराने के लिए अपने सबसे पहले 50% डायल कर दिए हैं तो इसका चीट कोड नंबर मैंने डायल कर दिया और यहाँ पर अपना वेलोसिराप्टर स्पॉन हो चुका है। तो अपने को फुल स्पीड करना पड़ेगा अपना कैरेक्टर को और इसको पुश करना पड़ेगा। चलो जल्दी से अपन लोग भागते हुए चलते हैं और जैसे मैंने इसको पुश किया तो फिलहाल तो कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली मेरे को, तो दोबारा से ट्राई करते हैं अपन लोग क्या चीज़ होता है। चलो दोबारा से अपन लोग यहाँ पर आ चुके हैं दूर थोड़ी दूर और यहाँ पर जैसे मैंने धक्का मारा तो भी कुछ नहीं हुआ। चलो वो लास्ट टाइम ट्राई करते हैं अपन लोग, तो देखते हैं क्या होता है लास्ट टाइम, अपन लोग ट्राई करके देखेंगे फिर फाइनल हो जाएगा। तो देख सकते हो मैं कितना दूर आ चुका हूँ। चलो फिर से धक्का मारते फिर देखेंगे क्या हुआ, तो अब भी कुछ नहीं हुआ। तो इन भाई का ये वाला मिथ बस्ट है। तो ये भाई कह रहे हैं अगर अपन लोग कोई भी कार के पीछे जो कोई भी कार के आगे जो चीट कोड नंबर होता है उसके आगे अपन लोग 0 लिखेंगे तो वो जो कार है वो अपनी मॉन्स्टर कार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन लोग लैम्बोर्गिनी का मॉन्स्टर कार मंगाते हैं, जल्दी से अपन लोग 0700 डायल किया तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी का मॉन्स्टर कार आ गया। चलो चेक करते हैं यहाँ पर अपना थार, देख सकते हो थार का चीट कोड नंबर है 9090 और जैसे अपन लोग यहाँ पर 0909 डायल करेंगे देखते हैं अपन लोग थार का मॉन्स्टर ट्रक आता है या नहीं आता। तो जैसे मैंने 0909 डायल किया तो यहाँ पर तुम चेक करो जो अपना थार का मॉन्स्टर ट्रक है वो स्पॉन हो चुका है एकदम इजिली। और अब चेक करते हैं अपना 300 का जो अपनी टार्जन कार और जैसे अपन लोग 300 मतलब 0300 डायल करेंगे तो देखेंगे अपना इसका मॉन्स्टर कार आता है नहीं आता। और देखो सेम चीज जैसे मैंने 0300 डायल किया तो यहाँ पर आ गया तो अपना यहाँ पर आ चुका अपना फॉर्चुनर और जैसे 01000 डायल करेंगे यहाँ पर फॉर्चुनर का भी मॉन्स्टर कार आ चुका है, तुम देख पा रहे होगे। तो इन बाइक का ये वाला मैं एकदम कन्फर्म्ड है। तो अपना अगला मैच आ चुका है, ये भाई कह रहे हैं अपने ज़ॉम्बीज़ को अपन लोग स्नाइपर के एक हिट में एकदम फिनिश कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग ज़ॉम्बीज़ का चीट कोड नंबर लगाते हैं और यहाँ पर 2 से 3-4 ज़ॉम्बीज़ के अंदर अपन लोग हिट करके देखेंगे एक शॉट में अपन लोग यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को हिट कर सकते हैं नहीं। तो एक ज़ॉम्बीज़ आ रहा है तो जैसे मैंने 1 शॉट दिया अपने स्नाइपर का और तुम देखो ये 1 शॉट के अंदर मर गया। इसको भी 1 शॉट देख देखते हैं, देख सकते हो कितना दूर था, इसको मैंने 1 शॉट दिया
किया फिर भी ये मर गया। तो यहाँ पर देखते हैं अपन लोग लास्ट दो जॉम्बीज को वन शॉट देकर, तो देख सकते हो ये जॉम्बीज है इसको वन शॉट दिया ये भी मर गया, और इसको वन शॉट दिया तो ये भी मर गया। तो इन भाई का ये वाला मिथ कंफर्मड है। अपना अगला मिथ आ चुका है, ये भाई कह रहे हैं जो गोस्टार्टर बाइक है उसका शॉट अगर नॉर्मल में तो दिखेगा, जैसे अपन लोग कोई भी कलर करेंगे तो नॉर्मल दिखेगा, अगर उसका कलर अगर गोस्टार्टर बाइक का अपन लोग आरजीबी कर देते तो उसका शेडो है वो यहाँ पर विजुअल नहीं होगा आधे से ज्यादा, उसका टायर का ओनली यहाँ पर विजुअल रहेगा। तो इसका येलो कलर करके देखते हैं, तो जैसे मैंने येलो कलर किया तो यहाँ पर नॉर्मल है शेडो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट जैसे मैंने आरजीबी किया देख सकते हो यहाँ पर शेडो एकदम गायब हो चुकी है। तो इन बाइक का ये वाला मिथ एकदम कंफर्मड है। चलो चेक करते हैं, तो ये भाई कह रहे हैं जो 4000 वाली कार है उसका स्पीड मीटर वर्क करता है, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अपनी 4000 पर आई होप यहाँ पर आएगी शायद अपना पोर्चे, तो यहाँ पर पोर्चे ही आ चुकी है अपनी। चलो चेक करते हैं इसका स्पीड मीटर वर्क करता है नहीं करता। सबसे पहले कैमरा एंगल चेंज कर दिया अपन लोग, और जैसे कैमरा एंगल चेंज करके अपन लोग देखते हैं इसका स्पीड मीटर वर्क करा है, तो इन भाई का ये वाला मिथ कंफर्मड है। तो अपना अगला मिथ आ चुका है, ये भाई कह रहे हैं जो अपना यहाँ पर ट्रक ट्रॉली और यहाँ पर बाइसाइकिल में एक साथ अपन लोग बैठते हैं तो यहाँ पर कुछ मैजिक देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग ट्रक ट्रॉली स्पॉन करा लेते हैं, 0 12 बार डायल करते हैं अपना ट्रक ट्रॉली स्पॉन हो चुका है, जल्दी से अपन लोग 4 बार एक डायल कर लेते हैं तो अपनी बाइसाइकिल भी स्पॉन हो चुकी है। चलो बीच में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बीच में गया यहाँ पर दोनों का ड्राइव का ऑप्शन आया, जैसे मैंने दोनों पर दबाया तुम देखो अपना जो कैरेक्टर है वो कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है, और जो हाइट है उस कैरेक्टर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके पैर तो देखो लिटरली कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा ऑसम ग्लिच और ये मैजिक हुआ है। तो इन भाई का ये वाला मिथ एकदम कंफर्म्ड है। अगला मिथ आ चुका है, ये भाई कह रहे हैं जो सभी कार्स का जो विंडो है वो बाहर की तरफ से तो दिखता है बट अंदर की तरफ से नहीं दिखता, और तुम इस वाले ट्रक को देख सकते हो क्या ही तो ये कर रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर 2-3 कार से साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सबसे पहले अपन लोग पोर्चे ही कार ले चुके हैं, तो तुम देख सकते हो इसके बाहर से तो दिख रहे हैं बट अपना कार के अंदर बैठने के बाद देखेंगे बाहर से दिखते हैं या नहीं। तो देखो इसकी विंडो तो बाहर से दिख रही है, जैसे मैंने कैमरा एंगल चेंज किया इसका, जैसे भीतर वाला कैमरा एंगल हुआ बट यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं दिख रही है, बट बाहर से इसकी विंडो एकदम क्लियर दिख रही है। चलो दूसरी वाली कार मंगाते हैं, यहाँ पर मैंने बुगाटी चिरोन सेम वाली साइज, और यहाँ पर तुम देखो इसका भीतर से कोई भी विंडो नहीं दिख रही है, एक थोड़ी सी विजिबल हो रही है। तो इन भाई का ये वाला मिथ कंफर्मड है। तो अगला मिथ आ चुका है, ये भाई कह रहे हैं जो टार्सन कार है जो उसके अंदर जो बोनट है उसके अंदर यहाँ पर डिग्गी बनी हुई है पूरी की पूरी। चलो चेक करते हैं, लिटरली किसी भी बोनट के अंदर यहाँ पर डिग्गी नहीं होती है, बट ये भाई कह रहे हैं जो अपनी टार्सन कार है उसके अंदर यहाँ पर डिग्गी देखने को मिलेगी आपको, जो अपना बोनट है तुम देख सकते हो बोनट कैसा है, और यहाँ पर तुम देखो इसका बैक साइड में जो डिग्गी होता है वहां पर तो मेरे को कोई भी डिग्गी सा लगी नहीं रहा है, एकदम ऐसा है अलग टाइप। चलो चेक करते हैं, तो यहाँ पर अपन लोग टार्सन कार के अंदर बैठ चुके हैं, चलो इसको उड़ाते हैं और इसको ब्लास्ट करते हैं। तो देखो मैंने बहुत सारी चीजें ब्लास्ट कर दी है, बहुत सारी जगह टोक के लाया उसको, और देख सकते हो आगे की तरफ से ब्लास्ट हो चुके हैं। चलो चेक करते हैं यहाँ पर आगे को बोनट के साइड मेरे को देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, यहाँ पर अपना पूरा का पूरा देख सकते हो डिग्गी पूरा का पूरा देखने को मिल चुका अपने को। तो देख सकते हो पहली ऐसी कार है जिसके अंदर डिग्गी बनी हुई है बोनट की साइड। तो इन भाई का जी वाला मिथ एकदम कंफर्मड है। तो अपना अगले दो मिथ आ चुके हैं, तो इन भाई ने दो मिथ दिए हैं, ये भाई कह रहे हैं अपन लोग सुप्रा कार फरारी कार मस्टैंग कार को यहाँ पर स्पॉन कराएंगे तो उनके अंदर कोई नंबर प्लेट नहीं है। सेकंड वाले मिथ में ये भाई कह रहे हैं अपना जो मस्टैंग कार है उसके पीछे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है पूरा का पूरा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले अपन लोग सुप्रा कार स्पॉन कराते हैं फिर फरारी कार स्पॉन कराएंगे, फिर उसके बाद अपन लोग बारी आएगी अपनी मस्टैंग कार तो यहाँ पर स्पॉन करा लिया, फरारी कार की बारी है सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग फरारी का रिस्पॉन्ड करा लें। चलो देखते हैं आगे पीछे कहीं पर अपना नंबर प्लेट लगा हुआ है नहीं, तुम देखो यहाँ पर अपनी फरारी कार के अंदर नहीं है, मस्टैंग के भी नहीं है और ना ही सुप्रा के है। तो पीछे से सुप्रा के देख लेते हैं, तो यहाँ पर सुप्रा के भी नहीं पीछे से दिख रहा है, तीनों की तीनों गाड़ी के अंदर नहीं है। तो इन भाई का जी वाला मिथ एकदम कंफर्मड है। चलो दूसरे वाले मिथ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भाई कह रहे थे अपना जो मस्टैंग कार है उसके पीछे यहाँ पर कैमरा पूरा लगा हुआ है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पर कोई कैमरा तो मेरे को कहीं से भी एंगल से नहीं दिख रहा है कोई भी कैमरा पीछे की साइड। तो इन भाई का ये वाला मिथ बस्ट है।